हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे होंगे, आयुर्वेद आई गेन या आयुर्वेद आई गेन प्लस, मतलब वेट गेन करने के लिए। दो एक ही जैसे यहाँ पे आपको साइड में फोटो दिख रही होगी। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई हम लोग परचेस कौन सा करें, दोनों का नाम तो लगभग सेम है, कहीं दोनों को काम तो सेम नहीं हुआ, या कुछ दोनों में अलग हुआ या कुछ फर्क है, कहीं हम लेकर के कोई गलती ना कर दें। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन सा परचेस करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं इन दोनों प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैसे मैंने आयुर्वेद आई गेन का ऑलरेडी रिव्यू करा है, जो मतलब व्हाइट वाला बॉक्स आपको साइड में दिख रहा होगा, इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू करा है। अब यहाँ पे इसका एक ब्लैक बॉक्स आ गया है जिसमें प्लस करके लिखा हुआ है, आयुर्वेद आई गेन प्लस करके नाम लिखा हुआ है। थोड़ा टंग ट्विस्टिंग नेम है, प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। पर यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा यह है कि भाई हमें परचेस कौन सा करना चाहिए, कौन सा आप लोग खरीदने जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी क्लेम करती है वो ये क्लेम करती है कि भाई यहाँ दोनों प्रोडक्ट में कोई ऐसा मतलब मेजर डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलेगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनकी प्राइस पॉइंट कंपेयर करेंगे तो दोनों के दोनों लगभग 750 के आपको देखने को मिल जाते हैं प्राइस रेंज में, और दोनों के अंदर वही सेम सर्विंग देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पे एक है प्लस तो और दूसरा है नॉर्मल एकदम, मतलब एक आई गेन प्लस है तो दूसरा आई गेन, बस केवल आई गेन ही है, दूसरे उसमें प्लस नहीं लगा है। तो फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क यहाँ पे दोस्तों ये निकल करके आता है, फर्क बहुत सिंपल सा कैजुअल सा है। यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट है उनको थोड़ा सा चेंज करा गया है, और थोड़ा बहुत जो अमाउंट है, जो एमजी है, जो मिलीग्राम है, जो भी इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर पड़े हैं मिलीग्राम में, उनको थोड़ा बहुत बढ़ाया घटाया गया है, जिससे कि आपकी बॉडी में बेटर एब्जॉर्प्शन हो, बेटर रिजल्ट देखने को मिले, बेटर बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो, आपकी बॉडी में वेट गेन हो, फैट कम हो बॉडी में, आप इंटरनली फिट हो, जो इसका प्रॉपर जो काम है वो ठीक तरीके से करें। अब जो आई गेन थी उसके अंदर जो डोज था वो थोड़ा सा माइल्ड था कह सकते हैं, इसके अंदर जो इसके आई गेन प्लस है इसके अंदर जो डोज है वो थोड़ा सा हैवी है आई गेन की तुलना में, मतलब प्लस है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसके अंदर चीजें एड ऑन है। जो इंग्रेडिएंट है वो लगभग 14-14 ही दोनों के अंदर पड़े हैं, बस यहाँ पे जो क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट की वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है, कैप्सूल के अंदर जो क्वांटिटी है, जो डोज है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा आपको बढ़ करके देखने को मिलता है। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट दोनों के बहुत सही है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो आई गेन प्लस है यहाँ पे आपको उसके बेटर रिजल्ट जाहिर सी बात है देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो आई गेन के तुलना में ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके यूजेस की, हमें यूज इसको किस तरीके से करना है, तो यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम आपको कंज्यूम करना है, ब्रेकफास्ट के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले आप कंज्यूम कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में कैलोरीज भरपूर मात्रा में जा रही हो, अगर कैलोरीज आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रही है तो यहाँ पे आपकी बॉडी में वेट गेन होने में समस्या आपको देखने को मिल सकती है। वरना क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब ये टैबलेट्स हैं छोटी छोटी टैबलेट्स है, ये ना कोई कैलोरी से भरपूर है ना कुछ है, ये आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन इंबैलेंस होता है, फूड एब्जॉर्प्शन बेकार हो जाते हैं, तो उनको सबको ठीक करने के लिए है। कई बार होता क्या है कि खाया पिया बॉडी में ठीक से लग नहीं पाता, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉल्ट होता है बॉडी में जिसकी वजह से बॉडी फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या एब्जॉर्ब करने के बाद भी ठीक से लगता नहीं है। तो यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में ये आपकी टैबलेट हेल्प करेगी, और आप बड़े ही आराम से 5 किलो 6 किलो 10 किलो आप गेन कर पाएंगे जैसे ही आप अपनी डाइट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने के लिए आप अमेजॉन या कहीं से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाए, और बाकी दोनों में कोई ऐसे खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।